आज मैं आप सब लोगों के साथ टेनिस एल्बो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। इसमें बहुत लोगों को एल्बो के बाहर के हिस्से में दर्द चालू हो जाता है और ये यूजुअली दर्द धीरे धीरे चालू होके ग्रेजुअली बढ़ जाता है। इसमें स्पेशली आप देखोगे तो लेट से किसी डिब्बे का ढक्कन यदि खोल रहे हैं तो धीरे से दर्द होगा, बट बाद में ये दर्द इवन आप सिंपल ग्लास पकड़ रहे हो या कोई भी एक्टिविटी जिसमें रिस्ट इन्वॉल्व है वो कर रहे हो तो भी होगा और बाद में तो रेस्ट में भी ये दर्द चालू हो जाएगा। इसे लैटरल एपिकोंडिलाइटिस भी बोला जाता है। जैसे मैंने कहा, जोर लगा के हम टेनिस खेल रहे हैं या फिर कोई स्क्रू ड्राइविंग की एक्टिविटी है या फिर बर्तन मांजना या फिर कपड़े धोना, इन सब चीज़ों में जब भी रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है, जैसे कंप्यूटर यूजर्स में भी टाइपिंग के दौरान ये एक्टिविटी होती है, तो जहाँ जहाँ पे भी रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स होती है उसका सब अतिरिक्त तनाव जहाँ से ये मांसपेशी ओरिजिन करके जिसे लैटरल एपिकोंडाइल बोला जाता है वहाँ तक जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, इसे लैटरल एपिकोंडिलाइटिस बोला जाता है। यूजुअली ये हर एक एज ग्रुप में दिखाई जाता है, बट ज़्यादा से कॉमन 30-50 एज ग्रुप में ज़्यादा दिखाई देता है। ऑफकोर्स इट कैन बी सीन इन सम ऑक्यूपेशंस, जैसे कि प्लेयर्स, एथलीट्स एंड दोज हु आर वर्किंग ऑन प्लम्बिंग टूल्स और स्क्रू ड्राइविंग एक्टिविटी जिनमें ज़्यादा होती है उन लोगों की ज़्यादा दिखाई देती है। इसे यूजुअली हम डायग्नोस क्लिनिकली करते हैं, जैसे कि पेशेंट आता है जब दर्द लेके तो उसे एग्जामिन करके उसकी कुछ टेस्ट करके हम डायग्नोस कर लेते हैं। जरूरत पड़ी तो हम इसे एक्सरे ऑफ एल्बो कर लेते हैं। एक्सरे में हमें यदि वहाँ पे कोई कैल्सिफिकेशन है या कोई कैल्शियम का डिपॉजिट हुआ है उस एरिया में वो दिखाई देता है। इफ रिक्वायर्ड यदि हमें और जांच करनी होगी तो MRI स्कैन किया जा सकता है और इसके साथ EMG और NCV इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ से एक नर्व निकलती है, उसके इन्फ्लेमेशन से भी इसी तरीके का दर्द हो सकता है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसका ट्रीटमेंट यूजुअली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया होता है और काफ़ी लोगों को उसी से 100% रिलीफ आ जाता है, जिसमें फर्स्ट तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दिया जाता है ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो, उसके साथ साथ आइस फोमेंटेशन सजेस्ट किया जाता है और फिजियोथेरेपी की जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है वो वहाँ पे की जाती है ताकि वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। उसके साथ साथ कुछ मोबिलाइजेशन और एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस जो फिजियोथेरेपी में किए जाते हैं, उसी के साथ साथ एक टेनिस एल्बो ब्रेस आता है जो कि यहाँ पे जो एक्सटेंसर मसल्स है उनके ऊपर वो लगाया जाता है ताकि जब भी हम रिस्ट के एक्शन कर रहे हैं तब उसका जो तनाव है वो ब्रेस वहीं पे पकड़ लेता है, रादर देन वो अपने लैटरल एपिकोंडाइल हड्डी के ऊपर जाने से बचा सकता है। इसके साथ यदि ये सब ट्रीटमेंट करने में भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आता है ये सब होने के बाद भी, तो हम लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट करते हैं। यूजुअली इसमें काफ़ी हद तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, बहुत रेयरली सेकंड इंजेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक स्पेशली स्पोर्ट्स पीपल में, एथलीट्स में हम करते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। वो टेनिस एल्बो के जो ये टेंडन है, स्पेशली एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस करके मसल है जो मैंने एक मांसपेशी का जो ग्रुप बताया उसमें से, उनका टेंडन में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो इन्फ्लेम एरिया में PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, तो ये नेचुरली ही वहाँ का हीलिंग करने में मदद करता है और ये हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स पीपल एंड दोज हु आर इन्वॉल्व इन वेरी एक्टिव इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इन लोगों के लिए ऐसे ये टेनिस एल्बो हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। सो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। सो आपको टेनिस एल्बो या एल्बो के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में या ओवरऑल कोई भी दर्द के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछना है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर पूछिए, मैं और मेरी टीम आपको इसका आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू।